ट्रीटमेंट ऑफ पी डी एस डी कॉगनेटिव थेरापी सो सी बी टी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करेंगे ट्रामा फोकस सी बी टी की ट्रामा फोकस सी बी टी जो है वो डिफरेंट स्टेप्स को जो है वो फॉलो करता है फॉर ट्रीटिंग दो आर हुए एक्सपीरियंस द पोस्ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो उसके अंदर जो फोर मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं साइको एजुकेशन का स्किल बिल्डिंग का ट्रॉमा uh, नैरेटिव का दैन द शेयर्ड केयर गिविंग का साइको uh, एजुकेशन के अंदर मेनली uh, जो थेरेपिस्ट होता, होता है उसका फोकस ये होता है कि वो पेरेंट्स को और बच्चे को uh, ये बता सके कि जो ट्रॉमा हुआ है उसके पॉसिबल साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं और वो किस तरह उसकी लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और ख़ास तौर पर पेरेंट्स जो होते हैं उनको ये बताना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चा जो है वो उस वक्त किस किस्म की पेन किस से जो है वो उसको फेस कर रहा है और कौन सी स्टेज से वो मूव कर रहा है तो दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट जो कि हम पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं इसके साथ साथ हम बच्चे को भी जो चीज़ें हैं जो स्ट्रामा से रिलेटेड हैं जो उसके साथ आकर हुई हैं उसके बारे में उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा है जिसको सेक्सुअली एब्यूज़ किया गया है तो उससे जब आप बात करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे तो आपको उसकी एज के मुताबिक जो सेक्सुअल अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है उसको एजुकेट करने के लिए वो आपने यूज़ करनी है तो साइको एजुकेशन के अंदर जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है कि आपने कौन सी टर्मिनोलॉजी किसके साथ किस टाइम पे यूज़ करनी है अगेन मैं कहूँगी कि पी के जो फैक्टर्स uh, होते हैं उसके अंदर uh, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं जो पेरेंट्स के लिए भी सेंसिटिव है जो बच्चे के लिए भी सेंसिटिव है सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स देन वी विल टॉक अबाउट द स्किल बिल्डिंग अब स्किल बिल्डिंग में हम क्या करते हैं स्किल बिल्डिंग हम ऑफ चार लेवल्स पे करते हैं एक पेरेंट्स की स्किल बिल्डिंग करते हैं Uh, फिर हम रिलैक्सेशन स्किल बिल्डिंग करते हैं फिर हम इफेक्ट मॉडलेशन करते हैं देन हम कॉगनेटिव प्रोसेस को वर्कआउट uh, करते हैं पेरेंटिंग स्किल क्या है पेरेंटिंग स्किल ये है कि हमने पेरेंट्स को ये एजुकेट करना होता है कि उन्होंने बच्चे को किस तरह डील करना है फॉर एग्जांपल अगर बच्चे का कोई एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर आ रहा है जैसे कोई टेंपर टेंट्रम आ रहे हैं कोई एंगर आ रहा है या स्लीपलेसनेस आ रही है तो आपने उन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है और चूंकि पेरेंट जो हैं वो उस वक्त ख़ुद भी एक ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं वो खुद भी उनके लिए उन चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा होता है तो उनको ये भी सिखाया जाता है कि हाउ दे कैन हैंडल देयर स्ट्रेस देन जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की स्किल है वो बच्चे को भी सिखाई जाती है और पेरेंट्स को भी सिखाई जाती है इसमें पेरेंट्स के लिए जिस तरह हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होकर ख़ुद को रिलैक्स कर सकता है जैसा बहुत से बच्चे होते हैं जो ड्राइंग करके रिलैक्स हो जाते हैं डांस करके रिलैक्स हो जाते हैं या वो बाहर शॉपिंग करके रिलैक्स हो जाते हैं या स्टोरी पढ़ के रिलैक्स हो जाते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन के बच्चे का रिलैक्सेशन मॉड क्या है तो आप उसको भी जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं देन जो मूड है वो बच्चे का भी इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा और पेरेंट्स का भी जो है वो बहुत ज़्यादा मूड इफ़ेक्ट होता है यानी वो सैडनेस की तरफ जा सकता है वो गिल की तरफ जा सकता है वो फियरफुलनेस की तरफ जा सकता है तो जो मूड डिसरेगुलेशन है एक तो वो आपने पेरेंट्स को बतानी है कि वो बच्चा किस किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा और उन्होंने उसको किस तरह कैटर करना है इसके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक चीज़ जो है जो रोल प्ले है जो थेरापिस्ट जो है वो पेरेंट्स के साथ ड्यूरिंग सेशन करता है इसके साथ साथ बच्चे को भी ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए कहता है जिससे वो प्लेयर सीख कर सके और वो एक्टिविटीज़ जिससे वो पहले प्लेयर सीख करता था उसका मूड अपलिफ्ट करने के लिए उन एक्टिविटीज़ की तरफ उसको दोबारा लेकर जाने की तरफ कोशिश जो है वो ड्यूरिंग द थेप्यूटिक सेशन की जाती है दैन कागनेटिव प्रोसेस कागनेटिव प्रोसेस में आ, जो आ, बच्चे को आइडिया दिया जाता है कि हाउ द एक्टिवेटिंग इवेंट एंड द बिहेवियर वॉज इफेक्टेड बाय द थाट तो ऐसे ऐसेल्पफुल थाट जो कि उसकी मोटिवेशन को रिड्यूस कर रहे होंगे जो उसके मूड को इफेक्ट कर रहे होंगे जो उसके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे होंगे उनको हम रिप्लेस करने में हेल्प करेंगे ऐसे हेल्पफुल थॉट्स से आ, जो कि उसकी एक्टिविटी को और उसके मूड को अपलिफ्ट करने में हेल्प करें देन ट्रामा नरेटिव ट्रामा नरेटिव के अंदर हम क्या करते हैं हम बच्चे से कहते हैं कि द चाइल्ड हुड स्पीक अबाउट द अनस्पीकेबल थिंग्स ठीक है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा नहीं बोल सकता जो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता या वो नहीं करता सम टाइम थेरेपी में भी नहीं करता सम टाइम पेरेंट्स के साथ भी नहीं करता सम टाइम फ्रेंड्स के साथ भी नहीं करता तो बाय गिविंग द कॉन्फिडेंस लेवल हम बच्चे को इस चीज़ की तरफ लेकर आते हैं कि वो बातें हमसे करे वो सारा एक्सपीरियंस हमसे शेयर करे क्योंकि जिस वक्त वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो उस वक्त बहुत सी इंसाइट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर भी और चूँकि ये थेरापटिक प्रोसेस है तो जब भी नरेशन दी जाती है दैट हेल्प्स इन गेटिंग द इन अबाउट द प्रॉब्लम्स तो बहुत सी बातें जो कि शायद वो रिप्रेस कर रहा हो uh, या वो उनके बारे में बात ना करना चाह रहा हो जब वो बात करेगा तो वो उसको चेस्ट ऑफ फील होंगी एंड द चाइल्ड फील हेम और हर सेल्फ बेटर देन शर्ड केयर गिवर्स ये बात हम बार बार कहते हैं कि जो पी का अगर कोई बच्चा आपके पास आ रहा है तो उसकी फैमिली Uh, जो है वो भी uh, एक सद, जो है स्ट्रेस के अंदर मौजूद होती है तो यू ऑल्सो नीड टू बी वर्क ऑन द केयर गिवर्स और ये देखना है कि कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि फैमिली भी मैनीफेस्ट uh, करी है हो सकता है कि जो मदर है वो भी डिप्रेशन के फीचर्स मैनिफेस्ट कर रही हो या इरिटेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रही हो या बच्चा जो है uh, वो इरेटबिलिटी uh, मैनिफेस्ट कर रहा है या एंगर मैनीफेस्ट uh, कर रहा है या डिप्रेशन मैनिफेस्ट कर रहा है तो आपने आ, मदर और आ, मदर को भी साथ लेकर या केयर गिवर को जो भी है अगर कोई और भी रिलेटिव है तो आपने उनको भी साथ लेकर चलना है ताकि आ, जो सिम्टम्स वो शेयर कर रहे हैं बच्चे के साथ उसके ऊपर भी हम वर्कआउट कर सकें थैंक यू